नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, आपने आवेदन किया है तो आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे। हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे। इसमें जो फसल बीमा होता है उसमें खरीफ और रबी दोनों तरह के फसलों को शामिल किया गया है। इसके अलावा यह एक स्वैच्छिक योजना है, अर्थात आपका फसल नुकसान हो जाता है तो केंद्र सरकार द्वारा आपको मुआवजा दिए जाते हैं जो कि लगभग 4 गुना होता है। आखिर इस फसल योजना के तहत आपको लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपका नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिस्ट में नाम है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं। वर्तमान में इसमें नया रजिस्ट्रेशन, अर्थात आप एक किसान हैं तो आप इसमें आवेदन करके अपना नाम को जुड़वा सकते हैं लेकिन आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, ये आप कैसे चेक करेंगे, पूरी जानकारी जानते हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका पता चल सके। यदि उन्होंने इसमें आवेदन किया है या इसमें नाम चेक करना चाहता है तो वो कैसे चेक करेंगे वो जान सकते हैं। आपको इस लिंक पर आप देख सकते हैं, ये वेब पेज है एक, इस वेब पेज पर आपको आने के लिए आपको गूगल में जाने होंगे। गूगल में जाने के बाद आपको यहाँ लिखना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आपको एकदम शॉर्टकट में लिखना है, जैसे कि प्रधानमंत्री में PM और फसल का F और बीमा का B और योजना का Y, आपको बस इतना ही लिख देना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। उसके बाद आपको इंटर दबा देना है। इंटर दबाते हैं आप तो इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। आप देखेंगे तो सबसे ऊपर में लिखा हुआ है, यदि छोटा में देखेंगे तो PMFBY.gov.in लिखा है, और आप नीचे देखेंगे तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपको इस पर ही क्लिक करना है जो सबसे ऊपर में आया है। इस पर आप क्लिक करते हैं तो मैंने जो पहले पेज ओपन किया था स्टार्टिंग में उस तरह का पेज यहाँ शो हो जाते हैं। हालांकि यहाँ शो होने में थोड़े से लेट होता है सर्वर के नाम से, इस तरह का एक पेज ओपन हो जाता है। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस और अपना नाम इसमें नहीं चेक कर पाएंगे, इसलिए आप पूरा स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखें और पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको यहाँ इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा तो यहाँ से आप लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं, जैसे अभी इसमें इंग्लिश है, आप यहाँ से देख सकते हैं आपका जो भी भाषा है वो यहाँ लाइन के बाहर शो हो जाते हैं, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु। आप जैसे हिंदी में करेंगे तो आप देखेंगे इनमें जो लिखा हुआ है ये सारे हिंदी में शो हो जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सभी चीज़ें इसमें हिंदी में शो हो गए हैं। आपको चेक करने के लिए कहाँ क्लिक करना है तो यहाँ आप देख सकते हैं एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ एप्लीकेशन स्टेटस में आपको क्लिक करना है या पॉलिसी की स्थिति में। हम इसे इंग्लिश में ही ला देते हैं फिर से एक बार, उसके बाद आपको चेक करके बताएंगे। जैसे यहाँ लिखा है पॉलिसी स्टेटस, आपको इसी पर ही क्लिक करना है। इस पर आप यदि क्लिक करते हैं तो इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाता है। बस आपको यहाँ आपको जो रिसीप्ट नंबर दिया गया है या आपके मोबाइल पर मैसेज आया होगा यदि आपने इसमें पंजीयन कराए होंगे तो, और वो मैसेज किस तरह का होगा ये भी हम आपको इसमें बताते हैं। आपको आवेदन किया होगा तो उतना ही समय आपको रिसीप्ट नंबर दे दिया गया होगा, या आपको एक मैसेज आया होगा कृषि के लिए जिसमें आपका नाम लिखा होगा ऊपर में, उसके बाद आपका फार्मर जो आईडी है किसान आईडी वो होगा, इसके बाद आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो होगा,
इसके अलावा बैंक का नाम भी इसमें होगा और कौन से ब्रांच में आपका जो खाता है वो भी शो होगा, पूरी डिटेल इसमें शो हो जाते हैं। आपने कितने रकबे के लिए ये जो पॉलिसी है वो ली है वो भी इसमें शो होते हैं, और किस सन के लिए लिए हैं वो भी इसमें सारी जानकारियां शो होती है। तो आपको यहां पर आपको जो एप्लीकेशन आईडी है वो लिखने हैं। मैं यहां एप्लीकेशन आईडी का कुछ अंक लिख देता हूं। इसके बाद आपको नीचे कैप्चर जो कोड लिखा हुआ है उसको यहां लिखना होगा। देख सकते हैं मैंने यहां एप्लीकेशन नंबर का अर्थात जो रिसिप्ट नंबर है उसका कुछ अंश यहां लिखा है, उसके बाद हमने यहां कैप्चर कोड डाला है। उसके बाद आपको यहां चेक स्टेटस में क्लिक करना है। देख सकते हैं यहां जो येलो कलर में लिखा हुआ है ब्लैक में चेक स्टेटस, जैसे मैं यहां कर्सर ले जा रहा हूं तो ये वाइट हो जा रहा है, तो आपको इसी पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज ओपन होता है। यहां देख सकते हैं हमने चेक स्टेटस पर क्लिक किया तो इस तरह का ये सारे जानकारियां यहां शो हो जाती है। इसमें फार्मर का नाम भी दिया हुआ है, कौन से योजना के तहत आप चेक कर रहे हैं उसका भी नाम यहां दिया हुआ है, और जो कौन से सीजन का है, खरीफ का है कि फसल के लिए आपने फसल बीमा योजना कराया है वो भी यहां दिया हुआ है। एक निश्चित राशि इसमें बैंक अकाउंट से आपके कट जाते हैं यदि आप फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करते हैं तो। इसके अलावा यहाँ कौन से सन के लिए आपने आवेदन किया है वो भी यहाँ शो होते हैं, और बैंक का देख सकते हैं सोर्स कहाँ से पेमेंट आपको मिलेगा वो भी यहाँ शो होते हैं। उसके अलावा यहाँ नीचे में सबसे देखेंगे तो एप्लीकेशन आईडी यहाँ शो हो रहे हैं, जो कि रिसिप्ट नंबर है जो कि कई सारे अंक का होते हैं। एक 21 नंबर का एप्लीकेशन नंबर है या हम इसे रिसिप्ट नंबर भी कह सकते हैं। आप यहां देखेंगे तो यहां एप्लीकेशन सबमिटेड में क्लीन बता रहा है, लेकिन आप देखेंगे यहां पर पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट स्टेटस अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। इसके बाद आप यहां देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस ये भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो तीनों में इस तरह का राइट चिन्ह लगेगा, जैसे यहाँ एप्लीकेशन सबमिटेड में राइट चिन्ह लगा है। और ये कहाँ का कर रहे हैं आप, तो जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ का हम कर रहे हैं, तो यहाँ जिस राज्य का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत हम आवेदन कर रहे हैं उसका नाम यहाँ शो होते हैं। छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं इसलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का, और कौन से गांव का वो भी यहाँ शो हो रहे हैं, और कब पॉलिसी आप ले रहे हैं, आप आवेदन कब किए हैं वो भी यहाँ शो हो रहे हैं। सारी जानकारियाँ यहाँ इसी तरह शो हो जाती है। इस तरह आप खुद चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन आईडी के नंबर से। यदि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहां से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं।